सब 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 अलग अलग बना के जॉइंट होता। हाँ कितने दिन लगता बनाने? हाँ लगता है, एक दिन में एक तो बन जाता है। ये बार अभी तो पता नहीं, अभी तो कुछ खिराक तो उतना आ रहा नहीं। हाँ पेंट सुखा के बाद पेंट डालते हैं, फिनिशिंग करके। बड़ा 10 फीट का अभी बोल नहीं सकते क्या बारे? ले जा रहे क्या है? प्लास्टर पीओपी है। हाँ ये ऐसा निकाल के रखे भैया। ये गणपति बना रहे, ये मिसाल राजस्थान से आता, बना रहे। ये पीछे का पीटी है, ये का है। ओ। क्या क्या लगा इसको? ये इसमें नारियल का काटा बोलते हैं इसको। हाँ। प्लास्टर प्यारी से। और क्या कर रहे हो? ये भूसा छान रहा हूँ। क्या करते इससे? इसे फिनिशिंग कर दे गणेश का। फिनिशिंग? हाँ। मिलता है ये यही मिलता, इसको ये प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला के फिनिशिंग करते गणेश गणपति का। वैसा करते हैं? हाँ ऐसा ऐसा नहीं करते, ऐसा फिनिशिंग करते। ये कलर चल रहा है, अभी एक दो रोज में पूरा कंप्लीट होता। ये अस्तर है, इसके बाद कलर मारना चालू होता, दो दिन में पूरा कंप्लीट हो जाता। बुकिंग हो गया ना? हाँ बुकिंग चालू है ना, बुकिंग चालू है बोल के तो कलर कर रहे हैं, तो काई को करते थे। सेल अच्छा है, अभी तो ग्राहक रिस्पॉन्स दे रहा जबरदस्त, कारोबार भी अच्छा है इस बार भी। थोड़ा क्या है बोले तो अभी इस खैराबाद का चल रहा ना अभी काम। हाँ। उस बारे में 40 फीट का दिए बोल के अपने यहाँ बड़े गणेश का परमिशन मिला हुआ है। जो इसका मीटर आता है मूर्ति का, ये राजस्थान से आता है, पहले 190 में था, अब 230 में बैग हो गया। और इसको जो नारा लगता है वो 600 में बंडल था, 700-750 में हो गया, और लेबर भी ज़्यादा कॉस्टली हो गया, और इसका जो भी मेहनत है पहले से ज़्यादा बहुत हार्ड हो गया। और एक मूर्ति बनने के लिए एक 25 लेबर तो लगते हैं, एक 10 दिन में मूर्ति पूरा कंप्लीट पेंटिंग स्टार्टिंग से लेकर 10 दिन आराम से लगते हैं मूर्ति तैयार होने के लिए, एक मूर्ति तैयार होने के लिए।